हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। इंटेलिजेंस की थियरीज हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हम पांच थियरीज कर चुके हैं। आज हम सिक्स्थ जो है छठी थियरी के बारे में बात करेंगे, जो है थर्स्टन की ग्रुप फैक्टर थियरी, जिसको थियरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के नाम से भी जाना जाता है, और फैक्टर एनालिसिस थियरी ऑफ इंटेलिजेंस भी बोला जाता है, क्योंकि मतलब फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया या प्राइमरी एबिलिटीज बना दी इन्होंने, तो उसी बेसिस पे ये और नाम जो है वो भी इस थियरी के हैं, जिसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो मोनो फैक्टर थियरी थी हमारी एल्बर्ट बिने की, सेकेंड वाली जो थी यूनिटरी थियरी थी, किसने दी है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थर्ड जो थी हमारी स्पीयरमैन की थियरी, टू फैक्टर थियरी, जिसमें थर्ड फैक्टर बाद में इंक्लूड कर दिया गया था। फोर्थ जो है हमारी ओलिगार्किक या फिर सैम्पलिंग थियरी थी, और फिफ्थ जो है हमने थॉर्नडाइक की थियरी की बात की थी। ठीक है, सो ये पांच थियरीज करवा दी है मैंने, नहीं की है तो कर लीजिएगा, और ये डी ट्रिपल एस बी वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जब मैं ट्वेल्थ क्लास की एनसीईआरटी शुरू कराऊंगी तो पहले ही चैप्टर में इंटेलिजेंस की बात हो रही है, इसलिए मैंने पहले आपको कंप्लीट इंटेलिजेंस करवाने का सोचा था। ओके, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं थर्स्टन की। तो देखिए, अगर एनसीईआरटी की बात करूं तो ये जो पैराग्राफ आपको दिख रहा है एक स्लाइड, सिर्फ इतना ही मेंशन है, मोटे मोटे तौर पे इन्होंने ये बता दिया कि लुईस थर्स्टन की थियरी है स्पीयरमैन की थियरी के बाद। यानी स्पीयरमैन ने टू फैक्टर की बात की थी, थर्स्टन ने बोला कि कोई दो फैक्टर नहीं होते, ग्रुप में होते हैं सारे के सारे फैक्टर्स। तो स्पीयरमैन ने तो जनरल फैक्टर, जी फैक्टर जो था, और एस फैक्टर, उसकी बात की थी, लेकिन ये जी फैक्टर को बिल्कुल नकार रहे हैं कि ऐसा जी और एस फैक्टर कुछ नहीं होता, ग्रुप फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, ग्रुप में होंगी चीजें, ऐसा इन्होंने बोला, जो कि इनकी बाद में आगे जाके सबसे बड़ी गलती साबित होगी और ये मानेंगे भी उसको। ओके, तो स्पीयरमैन ने जो है के बाद जो है लुईस थर्स्टन की थियरी आती है, थियरी ऑफ प्राइमरी एबिलिटीज बोला जाता है, क्योंकि सात प्राइमरी एबिलिटीज की बात जो है वो थर्स्टन ने की थी, जो कि एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, ये सातों की सातों जो है इंडिपेंडेंट है और एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का क्या मतलब होता है कि आप इनको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, एब्सोल्यूट, ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट है और इंडिपेंडेंट है अकॉर्डिंग टू थर्स्टन। तो ये चीज आपको एक बार के लिए याद रखनी है, दोनों पॉइंट्स। ओके, और ये सात जनरल एबिलिटीज आपको पता होनी चाहिए, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, न्यूमेरिकल एबिलिटीज, स्पेटियल रिलेशंस, परसेप्चुअल स्पीड, वर्ड फ्लुएंसी, मेमोरी और इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, ये चीजें किसने दे रखी हैं? आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखी हैं। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलते हैं, मतलब हमारे बेस वो होता है ना बेसिक टू एडवांस वाली चीज, वैसे पढ़ लेते हैं। तो जी ग्रुप फैक्टर ये इंक्लूड किया था किसने, थर्स्टन ने, वॉज सजेस्टेड फॉर द फैक्टर्स नॉट कॉमन टू ऑल द इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। ये कॉमन नहीं बता रहे सबको कि सब में ये ग्रुप, ये फैक्टर्स जो है वो सारे कॉमन है, बट कॉमन टू सर्टेन एक्टिविटीज कंप्राइजिंग अ ग्रुप। कि अगर हमने मान लो सात एबिलिटीज बताई हैं, तो हर एबिलिटी में कुछ ना कुछ काम तो हो रहे होंगे ना उसकी वजह से, तो उसकी वजह से जो काम हो रहे हैं उनमें एक सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलेगी, ये बताया है इन्होंने। ओके, जो थर्स्टन की थियरी है वो एक मिडवे है किसके बीच में, स्पीयरमैन की टू फैक्टर थियरी और थॉर्नडाइक की जो मल्टीपल फैक्टर थियरी है उसके बीच में। सो थॉर्नडाइक ने बोला था कि मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, और ये स्पीयरमैन ने बोला था दो फैक्टर होते हैं, तो थर्स्टन कहीं ना कहीं बीच में लाए करते हैं, और उनका कहना है ग्रुप में है सारे के सारे फैक्टर्स और सात प्राइमरी एबिलिटीज है। ठीक है, सो थर्स्टन के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस जो है वो ना तो जनरल एबिलिटी का प्रोजेक्शन है ना ही स्पेसिफिक फैक्टर का। बेसिकली ये जी और एस नाम के जो फैक्टर्स जो स्पीयरमैन ने दिए थे उनको सिरे से नकार रहे हैं, कोई उनको रिकग्निशन नहीं दे रही। ठीक है, ये किसकी बात करते हैं, ये प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की बात करते हैं, कि जो भी मेंटल एक्टिविटीज आप करवाएंगे बच्चे से, तो उनकी वजह से आपको ये पता चलेगा कि इनमें ये प्राइमरी मेंटल एबिलिटी है या नहीं है, अगर है तो वो बच्चा इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंस के फैक्टर्स के तौर पे इन्होंने किसको, मतलब किस तरीके से डिवाइड किया, इन्होंने सात फैक्टर्स या सात मेंटल डिसेबिलिटीज बता दी। ओके, स्टोरी क्या है, 1938 में थर्स्टन ने जो है अपनी थियरी दी, उन्होंने क्या यूज किया, 56 डिफरेंट टेस्ट यूज किए, यानी 56 टेस्ट किए इन्होंने, 240 बच्चों पे किए, जो कि शिकागो यूनिवर्सिटी के बच्चे थे। तो 2 से 20 मिनट के ड्यूरेशन पे इन्होंने 240 बच्चों के ऊपर 56 टेस्ट करके देखे, कि 2 मिनट से लेके 3 मिनट 4 मिनट इस तरीके से डिफरेंस के बीच, मतलब 2 से 20 मिनट का डिफरेंस इन्होंने रखा, कि अगर एक टेस्ट करवाया जा रहा है तो अगले टेस्ट के बीच में 2 से 20 मिनट का डिफरेंस है। ठीक है, तो वो कितने डिफरेंस के बाद उन्होंने चीज
एजेंसीज ने दी। 240 स्टूडेंट्स के ऊपर इन्होंने क्या किया, टेस्ट करके देखा। ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टोरियल एनालिसिस उन्होंने पाया, मतलब उन्होंने एनालाइज किया ना वो सारी चीजों को जो उन्होंने बच्चों पे टेस्ट करके देखे थे, तो उन्होंने देखा कि इंटेलिजेंस जो है वो 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज से बनी हुई है। ओके, अगर ये 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज बच्चों में है तो वो इंटेलिजेंट है, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो थर्स्टन ने कंक्लूड किया कि कुछ एक मेंटल ऑपरेशंस हैं जो कि कॉमन प्राइमरी फैक्टर रहेंगे जब हम कोई भी साइकोलॉजिकल या फंक्शनल काम जो है वो करेंगे उसके दौरान, ठीक है। और उन्होंने ये चीज भी मतलब इन चीजों को डिफरेंशिएट भी किया कहां से, जो और मेंटल ऑपरेशंस होते हैं ना उनसे। तो ये बोल रहे हैं मेंटल ऑपरेशंस से अलग चीजें होती है और ये मेंटल एबिलिटीज हैं कुछ एक जो प्राइमरी फैक्टर्स हैं, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज हैं, ठीक है। सेकेंड ग्रुप ऑफ मेंटल ऑपरेशन हैज इट्स ओन यूनिफाइंग प्राइमरी फैक्टर एंड सो ऑन। सो देयर आर 7 सच ग्रुप्स। तो इन्होंने 7 ऐसे ग्रुप्स बता दिए जो ग्रुप मतलब फैक्टर्स रहेंगे और वो ग्रुप्स को ही ये प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज भी बोल रहे हैं। ओके, अब वो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज क्या है? पहली है जी वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि आप मतलब आप एबल हैं, जो वर्बल रिलेशनशिप है, वर्ड्स हैं, आइडियाज उनको आप शेयर कर सकते हैं, समझ सकते हैं, प्लान कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। तो ये एबिलिटी आप में है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन की, कि आपने कोई भी चीज, अगर आप मान लो मैंने आपको समझाई कोई चीज तो आप वर्बली उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाए, आप जो है उसको समझा पाए एक मतलब बहुत शॉर्ट तरीके से। अगर आप कई बार होता है ना, टीचर पूरा लेक्चर ले लेता है और लास्ट में बच्चों से कई बार पूछता है कि आज क्या पढ़ा, क्या कंक्लूजन निकलता है आज के लेक्चर का, ठीक है। सो वो चीज यहाँ पे, वो एबिलिटी यहाँ पे बच्चों में रहेगी। ये पहली प्राइमरी एबिलिटी है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन की। दूसरी है न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि आप न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस को बहुत क्विकली, जल्दी से और एक्यूरेटली सॉल्व कर पाते हैं, तो मैथ्स अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं, ये आप लगा सकते हैं। तो ये एबिलिटी अगर है तो वो न्यूमेरिकल एबिलिटी है। देन वर्ड फ्लुएंसी की, ये एबिलिटी में क्या आ जाएगा कि आप वर्ड्स में अपनी चीजों को एग्जैक्टली अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। ओके, मेमोराइजिंग एबिलिटी, चीजों को जल्दी से याद करने की एबिलिटी, जब आप क्रैम करते हैं कोई चीज आपको याद रह जाए क्विकली और एक्यूरेटली, तो वो मेमोराइजिंग एबिलिटी हो गई। स्पेशियल एबिलिटी, स्पेशियल एक्चुअली स्पेस से रिलेटेड है, ठीक है, कि आप जब इमेजिनेशन वाले स्पेस में होते हैं, कि आपने स्पेस इन द सेंस आप कुछ लिख के नहीं देख रहे हैं, बोल नहीं रहे, आप सोच रहे हैं और उस चीज को इमेजिन कर रहे हैं, तो उस और इमेजिनेशन में ही आपके अंदर उस एबिलिटी है कि आप उसको मैनिपुलेट कर पाए, समझ पाए। आपको मान लो कोई इमेजिनरी क्वेश्चन दिया है तो आप उसको दिमाग में ही सोल्व कर पाए उस स्पेस में, तो वो स्पेशियल एबिलिटी है, ठीक है जी। देन है परसेप्चुअल एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी टू परसीव ऑब्जेक्ट्स एक्यूरेटली, कि आपका परसेप्शन कितना एक्यूरेट है। जैसे कई बार होता है ना, आप किसी को देखते हैं तो एक परसेप्शन सा बन जाता है, आप जज कर लेते हैं उस इंसान को, तो वो जो परसेप्शन आप बनाते हैं वो कितना एक्यूरेटली जो है ऑब्जेक्ट्स को परसीव कर पाता है। देन है रीजनिंग की एबिलिटी, आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ इंडक्टिव बोल रखा है, बट रीजनिंग एबिलिटी में दो चीजें आ जाएंगी, एक इंडक्टिव रीजनिंग और एक डिडक्टिव रीजनिंग, जो मैंने आपको पहले भी करवा रखी है बट एक बार मैं फिर बता देती हूँ। इंडक्टिव रीजनिंग देखिए आई और डिडक्टिव रीजनिंग में डीआर, ओके, दोनों में एक चीज रहेगी कि एक तो बोलता है कि जनरल चीज पहले सिखाओ और फिर स्पेसिफिक रूल के ऊपर जाओ, तो जनरल से स्पेसिफिक, मतलब मान लो कोई रूल है तो रूल पहले सिखा दिया आपने और फिर स्पेसिफिक चीजों के ऊपर जाएंगे। एक हो सकता है कि आप स्पेसिफिक चीजें, मतलब एक बच्चे से रिलेटेड आपने कोई एग्जाम्पल दिया उस बच्चे के एक्सपीरियंस से और फिर आपने उस चीज को जनरलाइज कर दिया, तो वो क्या हुआ, स्पेसिफिक से जनरल। और अगर कोई जनरल चीज है और आप किसी स्पेसिफिक बच्चे पे अप्लाई करके देख रहे हैं, सो वो चीज क्या हो जाएगी आपकी, जनरल टू स्पेसिफिक। ओके, अब आप याद कैसे करेंगे, तो ए बी सी डी, डी आ गया पहले, ई एफ जी आ गया। ओके, सो डिडक्टिव रीजनिंग जो है उसमें जनरल टू स्पेसिफिक रहेगा और इसका ऑपोजिट फिर इंडक्टिव में स्पेसिफिक टू जनरल हो जाएगा। तो ये एस्पेक्ट होता है कि आप किस तरीके से प्रॉब्लम को या सिचुएशन को लीड करते हैं, कि मान लो आप जो है क्लास में है, आप बच्चे को मैथ्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सो एक तो हमारे पास ऑप्शन है कि आप जनरल से कहां जा रहे हैं, स्पेसिफिक पे, ओके, और एक ऑप्शन है हमारे पास स्पेसिफिक से जनरल पे जा रहे हैं, ठीक है। तो जनरल इन द सेंस, पहले आपने बच्चों को क्या बताया कि भाई ये रूल है, ठीक है, और इस रूल के अकॉर्डिंग आपको अब ये सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। तो आपने पहले बच्चे को रूल बताया जो कि जनरल है, ओके? अगर आप क्या करते हैं, पहले उससे क्वेश्चन सॉल्व करवा के देखते हैं स्पेसिफिकली, तो आपने पहले क्वेश्चन सॉल्व करवा के देखा, फिर आपने उसको कुछ एक क्वेश्चंस के बाद उसको बताया कि अच्छा ये तो ओवरऑल जनरल रूल है, तो जब आप जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं तो डिड
डिडक्टिव हो गया क्योंकि ए बी सी डी ई एफ जी, तो डी और जी याद रख सकते हैं आप अल्फाबेटिकली, और फिर उससे ऑपोजिट इंडक्टिव हो जाएगा स्पेसिफिक टू जनरल, तो ये रीजनिंग एबिलिटी है। ओके तो ये दोनों आपको पता होनी चाहिए। इंडक्टिव और डिडक्टिव का मतलब भी कई बार पूछ लिया जाता है, सो इंडक्टिव डिडक्टिव में भी आप जनरल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जनरल याद रखिए कि मेथड क्या है। कई बार होता है ना टीचर डिडक्टिवली पढ़ा रहा है या इंडक्टिव मेथड से पढ़ा रहा है, तो वो मेथड क्या है, वो बस इंडक्टिव वर्ड के आगे रीजनिंग की जगह मेथड लगा दिया हमने, अदरवाइज मतलब वही रहेगा इंडक्टिव और डिडक्टिव का। ओके चलिए इसके साथ साथ ये जो सात एबिलिटीज है ये तो आपको याद रखनी है। इसके अलावा साथ के बाद थर्स्टन ने एक प्रोविजनली इंटरप्रेटेबल फैक्टर दिया जिसको आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। मान लो आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो वो उसको मतलब वो जो एबिलिटीज है उनके इंडिपेंडेंटली हम क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एबिलिटी आप में हो तो वो प्रॉब्लम सोल्विंग एबिलिटी रहेगी जो एक इंटरप्रेटेबल फैक्टर है कि आप कितना इंटरप्रेट कर पाते हैं। ओके थर्स्टन ने बिलीव किया कि जो परफॉर्मेंस होगी ना कोई भी चीज में, किसी भी टास्क में, उसमें एक से ज्यादा मेंटल एबिलिटीज की रिक्वायरमेंट हो सकती है, कि हो सकता है आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी और स्पेशल एबिलिटी दोनों ही चाहिए हो, ठीक है, कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट। सो एक से ज्यादा एबिलिटीज की रिक्वायरमेंट हो सकती है, लेकिन ये जो एबिलिटीज है साथ के साथ ये एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है और इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये आपको याद रखना है। यानी इंडिपेंडेंट तो है, ये दो चीजें आप याद रख सकते हैं, इंडिपेंडेंट है, ये ऐसा इन्होंने बोला थर्स्टन ने कि इंडिपेंडेंट है और एब्सोल्यूट है, ठीक है। एब्सोल्यूट मतलब आप इनको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ओके कि अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग को मैं फर्दर डिवाइड करना चाहूं वो नहीं होगा, ऐसा इनका कहना था। अब इन्होंने इनको जब लेटेस्ट व्यू की अगर इनकी बात करें तो थर्स्टन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके देखे जिसके बेसिस पे इन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स को जो है चेंज किया और मिस्टेक्स को एक्सेप्ट किया, बट बहुत क्लेवरली एक्सेप्ट किया। इन्होंने क्या बोला था कि इंडिपेंडेंट है सारी की सारी प्राइमरी एबिलिटीज, लेकिन जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करके देखे तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिलेशनशिप इनको इन साथ की साथ एबिलिटीज में दिखा, मतलब ये एक दूसरे पर डिपेंड तो कहीं ना कहीं करती है, ओके और पॉजिटिवली कर रही है, तो ये चीज को, और अगर पॉजिटिवली कर रही है दैट मींस कुछ ना कुछ जनरल फैक्टर है, जनरल मतलब सब में कॉमन ना, तो वो जनरल फैक्टर, क्योंकि तभी तो अगर इंडिपेंडेंट होती तो कोई जनरल फैक्टर नहीं होता, एक दूसरे पे डिपेंड ही नहीं कर रही है वो, बट अब एक दूसरे पे डिपेंडेंट अगर हम दिखा रहे हैं इनको कि हाँ ये इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट नहीं है जो इन्होंने पहले बोली थी इंडिपेंडेंस ऑफ प्राइमरी एबिलिटीज की, वो जो मैंने बताया ना इंडिपेंडेंस और एब्सोल्यूट दो चीजें बोली इन्होंने, तो इंडिपेंडेंस वाला जो फैक्टर था अब ये बोल रहे हैं कि भाई कुछ तो है जनरल फैक्टर। अब इन्होंने क्योंकि पहले ये बोला था कि स्पीयरमैन ने जनरल और स्पेसिफिक दिया है तो ऐसा तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो अब इन्होंने बहुत क्लेवरली एडमिट किया, इन्होंने बोला कि सेकेंड ऑर्डर जनरल फैक्टर जो है वो एग्जिस्ट करता है जिसको आप फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते, विच मीन्स कि आप जब जो है आपकी एबिलिटीज है उनको तो डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद एक जनरल सेकेंड ऑर्डर जनरल फैक्टर एग्जिस्ट करता है जिसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो इन्होंने अपने ही तरीके से बहुत क्लेवरली जो है अपनी गलती को मानते हुए चीजों को सुधारा और सेकेंड ऑर्डर जनरल फैक्टर की बात की इन्होंने, ओके अब क्योंकि इन्होंने तो बोला था ना ग्रुप फैक्टर एग्जिस्ट करता है, स्पेसिफिक और जनरल फैक्टर नहीं होता, बट वो चीज इनकी निकली सही बाद में कि भाई होता तो है कुछ ना कुछ, तो वो सेकेंड ऑर्डर जनरल फैक्टर के नाम से इन्होंने बात बोली। देन ये बोल रहे थे कि एब्सोल्यूटनेस होती है, मतलब आप इनको डिवाइड नहीं कर सकते फर्दर, लेकिन डिवाइड कर सकते हैं। बाद में जाके वर्नन ने भी डिवाइड किया और एक हायरार्की थियरी बनाई जो हम आगे पढ़ेंगे, उससे पहले इनफैक्ट वर्नन से भी पहले गिलफर्ड ने जो है इन सारी एबिलिटीज को तीन डायमेंशंस में क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, प्रोडक्ट ऑपरेशन और कंटेंट, जो हम बाद में आगे जाके पढ़ेंगे कि 120-180 कैसे जो है और फैक्टर्स है टोटल मिला के अकॉर्डिंग टू गिलफर्ड वाली जो थियरी है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट जो SI SOI हम मॉडल पढ़ेंगे वो वाला। ओके सो पॉइंट ये है कि गिलफर्ड ने भी बोला, फिर हायरार्की भी जो है वो वर्नन ने भी एक हायरार्की थियरी दी, तो वहां से ये पता चला कि भाई स्प्लिट हो सकती है जो एब्सोल्यूट एबिलिटीज है वो, मतलब ओवरऑल ये एबिलिटीज जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। तो जो थर्स्टन ने पहले दो चीजें बोली थी कि एक तो ये इंडिपेंडेंट है और एक ये एब्सोल्यूट है, इनको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वो दोनों चीजें जो है वो गलत प्रूव होती हैं, और फिर ये चीज को थर्स्टन एक्सेप्ट भी करते हैं कि हाँ ठीक है एब्सोल्यूट नहीं है, बाद में डिवाइड कर सकते हैं, और इंडिपेंडेंस वाले में भी क्या है एक जनरल फैक्टर एग्जिस्ट करता है, तो ऐसा नहीं है कि ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। ओके
एप्लीकेशन क्या होगी फिर? तो एप्लीकेशन है बहुत सारी, फिर भी लिमिटेशंस भी होंगी। परसेंटाइल रैंक और प्रोफाइल जो है वो आपको पता चल जाएगी, जो आपने जैसे शिकागो टेस्ट किया इन्होंने इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए। सो हमें ये तो पता चल जाएगा ना कि कौन कौन सी प्राइमरी एबिलिटीज हैं, हम जो है कैसे IQ या मेंटल एबिलिटीज जो है उनको निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो परसेंटाइल रैंक या प्रोफाइल जो है मेंटल एबिलिटीज की, उसको हम निकाल सकते हैं। वो एक एप्लीकेशन पार्ट जो है वो हमारे लिए रहेगा जब हम ग्राउंड लेवल पे उन चीजों को करके देखें। और जो परसेंटाइल रैंक्स वगैरह हम निकालेंगे वो हम किसी भी इंसान की प्रोफाइल को प्रिपेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि सब्जेक्ट मतलब जो इंसान है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो उसकी मेंटल एबिलिटीज या डिसेबिलिटीज क्या हैं, हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं चीजों को। ओके, तो अगर इंप्रूव कर सकते हैं मतलब हम डायग्नोस कर पा रहे हैं ना, तो वो डायग्नोस्टिक भी एक तरीके से इनका काम है कि डायग्नोस्टिक वर्क है, और प्रैक्टिकल गाइडेंस हम उस डायग्नोसिस के बेसिस पे दे सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। वो अगर पता चल गई हमें तो हम आगे सुधार भी तो कर सकते हैं ना, वही चीज यहाँ पे इन्होंने मेंशन की। ओके, अब आती है लिमिटेशंस। मैं एज यूजुअल जब मैं बोलती हूँ कि लिमिटेशंस यानी दाग तो चांद में भी होते हैं, तो जब चांद में दाग होते हैं तो हर जगह कुछ ना कुछ लिमिटेशन या कमियां आपको मिलेंगी। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, चाहे वो थियरी हो चाहे वो इंसान हो। ठीक है, तो मिसलीडिंग है भाई ये। मिसलीडिंग क्यों है? क्योंकि नाम बोल रहा है कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, लेकिन प्राइमरी तो हम तब यूज करते हैं ना कि भाई बेसिक है, बिल्कुल एडवांस वाली चीज नहीं है, मतलब बिल्कुल बेस पे काम हो रहा है। तो वो बेसिक चीज यहां साइकोलॉजिकल वे में, बेसिक वे में हमें चीजें नहीं लगी, बिकॉज वर्बल कॉम्प्रिहेंशन हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी, ये बेसिक नहीं है, थोड़े से एडवांस लेवल की चीजें हैं ये। तो मिसलीडिंग है नाम के बेसिस पे। ओके, जो मेंटल एबिलिटीज है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। थर्स्टन ने ऐसा बोला था कि वो इंडिपेंडेंट है, जनरल फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, बट ये एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ठीक है, तो ये लिमिटेशन हो गई थर्स्टन की ग्रुप फैक्टर थ्योरी की। डिस्कार्डिंग कॉमन फैक्टर, इन्होंने बोला था कोई कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ ग्रुप फैक्टर एग्जिस्ट करता है, बट ऐसा नहीं है। बाद में इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि जनरल फैक्टर जो है वो भी एग्जिस्ट करता है ग्रुप फैक्टर्स के साथ साथ। ओके, तो कॉमन फैक्टर को इन्होंने डिस्कार्ड कर दिया था। फर्दर बात करें तो कंसेप्शन लिमिटेड कंसेप्शन है यहाँ पे, यानी डिस्पाइट द एनालिटिकल नेचर ऑफ मल्टी फैक्टर अप्रोच, इट इज स्टिल बेस्ड ऑन लिमिटेड कंसेप्शन ऑफ इंटेलिजेंस, सिंस लिटिल वेट इज गिवन टू सोशल इंटेलिजेंस, मैकेनिकल इंटेलिजेंस। यानी लिमिटेड कंसेप्शन क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि इन्होंने 7 जनरल एबिलिटीज दे दी, बट इन्होंने स्पेसिफिकली जो जैसे गार्डनर ने एक्सप्लेन किया ना कि बहुत सारी तरीके की इंटेलिजेंस होती है, उस चीजों पर इन्होंने कोई भी प्रकाश जो है वो नहीं डाला कि जो एस्थेटिक है, म्यूजिक है, ड्रामा है, और उन चीजों में जो एबिलिटीज हैं। अब इन्होंने न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात कर दी, यानी मैथ्स की बात हो रही है कहीं ना कहीं, लेकिन म्यूजिक का क्या, जिनको म्यूजिक सीखना है उसकी एबिलिटी का क्या, ठीक है, ड्रामा की एबिलिटी का क्या, या गार्डनिंग की एबिलिटी का, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो वो जो अलग अलग एबिलिटीज है उनकी बात इन्होंने नहीं की, तो लिमिटेड जो है वो इनकी थ्योरी रह जाती है। ऑल्दो इन लिमिटेशंस के बाद भी अगर हम कंक्लूड करना चाहें तो जो पर्सन की मेंटल एबिलिटीज हैं वो क्लियर पिक्चर कहीं ना कहीं थोड़ी सी दी है। लिमिटेशंस के बाद भी कहीं ना कहीं ये यूजफुल है जो हमने एप्लीकेशन की बात की। सो डायग्नोस्टिक और प्रैक्टिक वर्क, डायग्नोस्टिक वर्क में यानी हमें डायग्नोस करने में हेल्प कर रही है, और प्रैक्टिकल गाइडेंस हम किस तरीके से दे सकते हैं वहां पे हेल्प कर रही है। सो ऐसा नहीं बोल सकते कि बिल्कुल ही हम सिरे से नकार दें कि थर्स्टन की थ्योरी तो काम की है ही नहीं। कमियां हैं, बट थर्स्टन की थ्योरी स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट, और डेफिनेट कैटेगरीज में इन्होंने डिवाइड किया है ये 7 की 7 कैटेगरीज जो है वो आपको याद होनी चाहिए कि कौन सी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की बात इन्होंने की है। अगर ये 7 आपको याद है उसके बाद तो फिर कहानी ही बचती है कि कैसे थर्स्टन ने क्या क्या चीजें की, कैसे फिर गलती मानी, क्या चीजें हैं, तो वो तो फिर स्टोरी आपको याद रह ही जाएगी। बट हाँ, ये 7 एबिलिटीज जो है वो आपको याद रखनी पड़ेंगी कि वर्बल कॉम्प्रिहेंशन है, न्यूमेरिकल है, स्पैटियल है, तो वो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है जी, सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। फिर भी कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इंकलकेट लर्निंग, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।